मथुरा के बरसाना में कराया गया सैनिटाइजेशन, और ये सैनिटाइजेशन केआरएस ग्रुप की ओर से कराया गया। इस सैनिटाइजेशन का शुभारंभ विनोद बाबा के कृपा पात्र पंडित बाबा ने अपने कर कमलों से किया। उल्लेखनीय है कि केआरएस ग्रुप द्वारा पूर्व में भी कोरोना काल में अच्छे कार्य किए गए हैं और उनके द्वारा सैनिटाइजर, मास्क आदि वितरित किए गए हैं। बरसाना में सैनिटाइजेशन के अवसर पर केआरएस ग्रुप के चेयरमैन जयप्रकाश त्यागी, राधाचरण फौजी, राजू शंकरा, चेयरमैन प्रतिनिधि भगवान सिंह आदि मौजूद रहे। इसे लेके आप जो सैनिटाइजर करा रहे हो, बरसाना को ही करा रहे हो या इससे अलग और भी गांवों को आपको कराने का उद्देश्य है? ये श्री राधा रानी जी के कृपा पात्र श्री जयप्रकाश त्यागी जी जो केआरएस ग्रुप के एमडी हैं, उनके द्वारा पहले भी बरसाना, अष्ट सखी के गाँव नंदगाम, आसपास के गांवों में सैनिटाइज कराया गया था और खाद्य सामग्री गरीब असहायों के लिए उन्होंने बांटी थी। आज दोबारा से फिर ब्रजवासियों की सेवा में केआरएस ग्रुप के एमडी जयप्रकाश त्यागी जी ने माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का पत्र पढ़ा डीएम साहब को संबोधित करते हुए, तो उन्होंने उनका फोन आया कल कि प्रधान जी कल बरसाना में और अष्ट सखियों के गाँवों में पहले शुरुआत करानी है, फिर पूरे क्षेत्र में, छाता क्षेत्र में नहीं, जहाँ जरूरत होगी जहाँ से फोन आएंगे केआरएस ग्रुप वहाँ छिड़काव कराएगा। गरीब असहाय लोगों की सेवा के लिए अन्न जो कुछ सामान की जरूरत होगी पूरी तरह सहयोग करेगा, ये त्यागी जी का कहना है। ये तो आपने चालू कर दिया, लेकिन अन्न की आप बात कर रहे हो, ये अन्न का प्रोग्राम जो भी है गरीबों के लिए जो सहायता आपको पहुँचानी है, ये कब से शुरू कर रहे हो आप? देखिए त्यागी जी ने पहले भी आपने देखा होगा पूरे क्षेत्र में, ये नहीं कि बरसाना, आसपास के क्षेत्र में, पैगाम में जहाँ जहाँ गए थे अन्न की सेवा की थी, पूरा सामान था उसमें जो घर ग्रस्त का होता है। और जब जैसे ही त्यागी जी पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अब राधा रानी की कृपा से नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, दो तीन दिन में आ जाएंगे और युद्ध स्तर पर वो खाद्यान्न सामग्री का वितरण का काम शुरू कर देंगे। ऐसे सभी गांव में और छाता क्षेत्र में, छाता क्षेत्र में जहाँ से भी कोई सूचना आएगी कि जहाँ कहीं गंभीर स्थिति होगी वहाँ छिड़काव भी कराया जाएगा और अन्न की सेवा भी करी जाएगी। शीतकालीन ऋतु में भी त्यागी जी ने चौमा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हजारों कंबल बांटे थे। वो केवल स्वार्थ नहीं, लोग उनको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, ऐसा नहीं है, वो एक समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, राधा रानी की कृपा है, वो ब्रजवासियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं और रहेंगे।